हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSSB में काफ़ी सारी वैकेंसीज PGT और TGT में आई हैं। जिनमें नहीं आई हैं उन सब्जेक्ट्स में जल्दी ही आने की संभावनाएं आपको दिख भी रही हैं। चाहे DSSB हो या KVS हो, NVS हो, CTET हो या दूसरे टीचिंग एग्जाम हो, हर एग्जाम की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को स्टडी पोर्टल देता है। और उसके साथ साथ आज हम PGT मैथमेटिक्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, चाहे क्वालिफिकेशन की हो, चाहे कॉम्बिनेशन की हो, चाहे सिलेबस की हो, चाहे एग्जाम पैटर्न की हो, चाहे नोट्स की हो, चाहे बुक्स की हो, या फिर कैसे अप्लाई कहाँ से करना है, सारी चीजों पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले TGT पोस्ट है, PGT के अंदर जो मैथमेटिक्स की जो पोस्ट है उसमें टोटल पोस्ट जो हैं वो PGT फीमेल के लिए 26 हैं और PGT मेल के लिए 46 हैं। यानी फीमेल की 26 पोस्ट हैं और मेल की 46 हैं। इस तरीके से अगर टोटल देखा जाए तो ये आपके लिए बेहतर पोस्ट हैं और इन सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ST, ABC रिजर्वेशन उनके लिए आप लोग नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, हर सीट के लिए फाइट करना है, तो किस में कितनी है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो फॉर्म की जो डेट है दोस्तों, वो 14 जनवरी से अप्लाई होने शुरू होंगे और 13 फरवरी तक, 14 जनवरी से 13 फरवरी तक फॉर्म भरना है। 1 महीने का समय आप लोगों को इन लोगों ने दिया है और मैं तो यही कहूंगा कि फर्स्ट वीक जो फॉर्म अप्लाई होने का जो पहला वीक है उसी में अप्लाई कर लीजिए। बाद में कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी स्टडी आपकी जल्दी शुरू होने वाली है। उसके बाद अगर बात करें तो ज्यादातर बच्चे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, और कंसर्न सब्जेक्ट जो यहाँ है वो आपका मैथमेटिक्स है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका मैथमेटिक्स में, मैथ में MSc होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी मास्टर डिग्री मैथ में होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटियां MA मैथ बोलती हैं तो बाकी ज्यादातर मैक्सिमम MSc मैथ बोलती हैं। उसके साथ साथ आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन ट्रेनिंग में। अब डिग्री या डिप्लोमा एजुकेशन में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका BEd होगा। यानी आपका मास्टर डिग्री मैथ में हो, साथ में आपका BEd हो, तो आप लोग DSSSB में PGT मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद ये कहता है कि अगर ये आपका कंप्लीट है और BEd आपका नहीं हुआ है या चल रहा है, तो वैसे तो आप BEd के बेस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर पूरा नहीं है, लेकिन BEd का इन लोगों ने थोड़ा छूट दिया है कि अगर ये नहीं है तो अगर आपका मैथ में PhD कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, तो मैथ में अगर PhD है तो आपको BEd की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर BEd भी नहीं है मेरे पास, PhD भी मैंने अभी नहीं किया है, तो भी इन लोगों ने आपको मौका दिया है। तो इसने कहा है कि 12वीं में आपके पास हायर सेकेंडरी में 60%, ग्रेजुएशन में 60%, पोस्ट ग्रेजुएशन में 60%, अगर तीनों जगह आपके पास 60% या उससे ज्यादा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन के बाद 3 साल के दौरान आपने BEd को करना पड़ेगा। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन के बाद हर कोई कर ही लेगा, भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो मास्टर डिग्री मैथ में हो और इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आप पूरी करते हो, देन यू आर ओके, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेहनत कीजिए, सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड है, कितना पढ़ेंगे सिलेक्शन पक्का रहेगा। उसके बाद अगर बात करेंगे, ज्यादातर बच्चे पोस्टिंग की बात करते हैं, दिल्ली की भर्ती है तो पोस्टिंग भी दिल्ली में ही होगी, कहीं और नहीं जाएगी। उसके बाद बात करें एग्जाम सेंटर की, बच्चे बोलते हैं कि सर ज्वाइनिंग के बाद तो आ जाएंगे, लेकिन हम दूर दराज के स्टेट से हैं, अगर हमारे यहाँ एग्जाम सेंटर हो तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। एग्जाम सेंटर आपका दिल्ली NCR में होगा, जो भी आपकी यहीं पर होगी, ये दोनों चीजें आपको क्लियर कर लेनी है। उसके बाद अगर बात करेंगे पे स्केल की, 9300 से लेकर के 34800, ये आपका पे स्केल है। 9300 से 34800 ये आपका पे स्केल रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। उसके बाद बात करेंगे एज की, जो मैक्सिमम एज है वो 36 इयर्स है। 36 इयर्स जो है वो मैक्सिमम एज रखी गई है, और ये मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी के लिए आपको पता ही है, SC आपका,
एसटी आपका 5 साल अलग, ओबीसी आपका 3 साल अलग, फिजिकल हैंडीकैप्ड आपका 10 साल अलग, एससी एसटी प्लस फिजिकल हैंडीकैप 15 साल, फिजिकल हैंडीकैप प्लस ओबीसी 13 साल, ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें इसमें दी गई हैं। जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही आप नोटिफिकेशन के टेबल में देख सकते हो, सबके लिए एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, लेकिन जेंडर वाला इसमें नहीं है। 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है एज में उन लोगों के लिए जिन्होंने गेस्ट या कॉन्ट्रेक्चुअल या दिल्ली में कभी नौकरी की है, गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में टीचिंग लाइन के अंदर उनके लिए ऑप्शन रखा गया है। उसके बाद अगर बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की, मोड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों 1 टायर आपका, 2 टायर आपका, और स्किल टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल, जहां भी जरूरत होती है या एप्लीकेबल होता है वहां स्किल टेस्ट हो सकता है। 1 टायर 2 टायर आपका सिंपल और साफ शब्दों में यहाँ लिखा गया है। 300 नंबर का पूरा पेपर होगा, 300 नंबर का याद रखें ये चीज। उसके बाद बात करेंगे, अगर ये बोलेंगे कि सर ये चलो 300 का तो हो जाएगा, बट बांटा कैसे गया है, जनरल पेपर को रखा है इन लोगों ने 100 नंबर में, 100 नंबर का जनरल पेपर इन लोगों ने रखा है, 100 ही नंबर होंगे, 100 ही क्वेश्चन होंगे इसके, ये चीज एक देखना है। और इसको भी इन लोगों ने बड़े खूबसूरती से 5 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहला हिस्सा इसका हिंदी है 20 नंबर की, दूसरा हिस्सा इसका इंग्लिश है 20 नंबर का, तीसरा हिस्सा जीके और करंट अफेयर है 20 नंबर का, चौथा हिस्सा मैथमेटिक्स है 20 नंबर का, और पांचवा हिस्सा रीजनिंग है 20 नंबर का। ये पांचों के पांचों जो भाग हैं ये बराबर बराबर रहेंगे। हिंदी वालों में ग्रामेटिकल प्लस पैसेज होंगे, इंग्लिश में ग्रामर प्लस पैसेज होंगे, जीके जीए में 6 महीने की करंट अफेयर होगी, और जीके में नेशनल जीके और करंट भी आपका पूरा है। मैथमेटिक्स 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के जो 8 से 10 टॉपिक आमतौर पर आते हैं उन्हीं में से एक एक दो दो क्वेश्चन बनेगा। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि क्योंकि हालांकि मैथमेटिक्स के बच्चे हो तो आप लोगों को तो कोई समस्या होने वाली है ही नहीं, अगर यहाँ आपको समस्या हुई तो सब्जेक्ट में तो फिर आप मारे ही जाने वाले हो, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं है। ये रीजनिंग मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, रीजनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं, 17, 18, 19, 20 नंबर आप ले लेते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो ये वाला पोर्शन तो आपका है जनरल वाला। फिर अगर बात करें आप लोग सब्जेक्ट वाले पार्ट की, सब्जेक्ट वाला पार्ट यहाँ पर जो रखा गया है वो इन लोगों ने 200 नंबर का रखा है। 200 नंबर के सब्जेक्ट वाले पार्ट में क्या होगा, यहाँ पर मैथमेटिक्स होगा आपका, मैथ सब्जेक्ट होगा आपका, क्योंकि मैथ से आपने पीजीटी किया है, पीजी किया है, और मैथ से पीजीटी किया है तो मैथ से ही आपका पीजीटी होने वाला है। अब इसमें आपका क्या रहेगा, जनरल मैथ की तो बात अलग चली गई, इसमें आपका 11th का 12th का तो है ही है, इसमें ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस भी होते हैं, ये आप लोग ध्यान से रखें। इसमें मैथ का एप्टीट्यूड, मैथ के एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस, जिसको आप लोग मैथ की पेडागोजी बोलते हैं, वो भी इसमें होता है। जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड ये भी इसमें होता है, ये चीजें ध्यान से रखें। ज्यादातर लोग एनसीईआरटी उठा करके शुरू हो जाएंगे और बाद में कहते रहेंगे सर इसमें तो बहुत सी चीजें नहीं थी। कोशिश ये करें कि आप लोग अप टू डेट ही चलें, अप टू सिलेबस ही चलें, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। तो ये वाला पोर्शन आपका 200 नंबर का यहाँ होगा, यानी 100 नंबर का आपका जनरल पेपर, 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट कंसर्न, टोटल मिलाकर के 300 नंबर है, ये आपका सिलेक्शन बेस्ड है। इसी के आधार पर आप लोग आगे चलेंगे, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। उसके बाद अगर 300 नंबर का पेपर है तो नेगेटिव मार्किंग है क्या, 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे स्टडी मटेरियल की बुक्स की, तो ये सभी एग्जाम्स के लिए हमारा स्टडी मटेरियल होता है, जिसमें हर पोर्शन की अलग बुकलेट होती है, चाहे जैसे ये देख सकते हैं हर पोर्शन की अलग अलग बुकलेट्स होती हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद होंगी। इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हर रोज की डेली अपडेट लेने के लिए व्हाट्सएप पर इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप वाले हमारे नंबर के ऊपर क्या करेंगे, इस नंबर के ऊपर आप लोग DSSB नाम, मैथ और सिटी,
ये ना चीजें लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको साथ पूरी जानकारी हम कोशिश करेंगे हर रोज शेयर होती रहे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको दी जाएगी। आने के आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए जुड़े रहे।